स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट यूनिट के थर्ड लेक्चर में सांख्यिकी का महत्व भी देखेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। इम्पोर्टेंस की यदि हम बात करें तो हम चर्चा कर चुके हैं कि वो कितना महत्वपूर्ण है। देखा जाए तो सांख्यिकी की सार्वभौमिक उपयोगिता है। स्टैटिस्टिक्स हैज इट्स यूनिवर्सल यूटिलिटी। क्या होता है यूनिवर्सल यूटिलिटी? किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो अर्थशास्त्र का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र सांख्यिकी से अछूता नहीं है। सांख्यिकी उनको मूल प्रदान करता है, वास्तविकता प्रदान करता है, समंकों की मजबूती देता है, जिससे उन विज्ञान को, उन शास्त्रों को एक आधार मिलता है। देखिए यहाँ पे कोटेशन में लिखा भी है, विज्ञान बिना सांख्यिकी के फलदायक नहीं होते और सांख्यिकी के बिना विज्ञान निर्मूल है। अर्थात विज्ञान को जो मूल प्रदान करता है वो क्या है? सांख्यिकी ही है। सांख्यिकी के कारण सभी क्षेत्रों में बहुत प्रगति हो रही है, ठीक है। सांख्यिकी विधियों की सहायता से मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति का विश्लेषणात्मक अध्ययन करने में सहायता मिलती है। अब देखिए, अनेक मत और विवादों के बीच जहाँ बहस होती है, जहाँ पे मत होते हैं, उनको यदि सुलझाना है तो उनके समक्ष क्या रखना चाहिए? आंकड़े रख देने चाहिए। आंकड़े हर चीजों को तथ्यात्मक रूप प्रदान करते हैं, जिससे उसका उचित मार्गदर्शन हो पाता है। इसलिए इसे मानव कल्याण का अंकगणित भी कहा जाता है। देखिए, सांख्यिकी एक ऐसा अस्त्र या साधन है जो प्रयोग सिद्ध अनुसंधान के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं पर आक्रमण, क्योंकि अस्त्र बोला है इसलिए आक्रमण का अर्थ क्या हुआ? समस्याओं का समाधान करने में सहायक होता है। एक तरह का अस्त्र है, एक प्रक्रिया है, एक तंत्र है, एक मैकेनिज्म है, एक मशीन है, जिसके इस्तेमाल से हम इन समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें सांख्यिकी की उपयोगिता ना हो। चाहे वो आप समाजशास्त्र ले लो, गणित ले लो, अर्थशास्त्र ले लो, या किसी क्षेत्र को ले लो, शिक्षा का, मनोविज्ञान का, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, किसी में भी सांख्यिकी के महत्व को हम कम नहीं कह सकते। इसी आधार पर हम इसको चर्चा कर सकते हैं कि किन किन क्षेत्रों में किस तरीके से महत्वपूर्ण है, जिससे कि अध्ययन थोड़ा सा सहज हो सके। देखिए, सबसे पहले हम देख रहे हैं सांख्यिकी का महत्व किसमें? अर्थशास्त्र में। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स इन इकोनॉमिक्स। देखिए कोटेशन पर बहुत अच्छा लिखा हुआ है, सांख्यिकी विधियां या विधियों का प्रयोग अर्थशास्त्री उस भांति करता है जिस प्रकार डॉक्टर अपना स्टेथोस्कोप का प्रयोग करता है बीमारी जानने के लिए। स्टेथोस्कोप से दिल की धड़कन जो होती है, हार्ट उसका पता करता है, जिससे उसको शरीर का पता चलता है कि इसमें कौन सी बीमारी है, इसकी कंडीशन क्या है। उसी प्रकार से सांख्यिकी की जो विधियां होती हैं, जो उसके तंत्र होते हैं, मैकेनिज्म होते हैं, उनका उपयोग कौन करता है? अर्थशास्त्री करता है। अब अर्थशास्त्र की अगर हम बात करें तो उसके दो पहलू देखे जाते हैं जिसमें सांख्यिकी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान या उसकी भूमिका हम देख सकते हैं। एक तो है आर्थिक नियोजन और दूसरा क्या है? आर्थिक विश्लेषण। नियोजन से आप समझते हैं प्लानिंग, योजना बनाना, नीति बनाना। इसमें सहायक कैसे है सांख्यिकी? बिल्कुल है। इसके बिना, सांख्यिकी के बिना या समंकों के बिना आर्थिक नियोजन संभव ही नहीं है। आर्थिक नियोजन के लिए जो सबसे आवश्यक सामग्री होती है वो है सांख्यिकी विधियों से प्राप्त होने वाले आंकड़े। उसी प्रकार देश की आर्थिक विकास समंकों के अधिकाधिक प्रयोग पर निर्भर करता है कि उसके समंक जो बन के आते हैं कि देश की GDP कितनी है, सकल घरेलू आय कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है, आयात निर्यात इंडेक्स, इस तरीके के जितने भी संबंध आते हैं वो किसके आधार पर आते हैं? सांख्यिकी की मदद से। अपर्याप्त और अशुद्ध संबंधों के आधार पर किया जाने वाला नियोजन नियोजित अर्थव्यवस्था के ना होने से भी बुरा है। ना हो नियोजन, लेकिन गलत संबंध के आधार पर यदि हम, जैसे डॉक्टर का गलत दवाई दे देता है, गलत बीमारी का आकलन कर लेता है, तो वो उस व्यक्ति के जीवन पे बंद पड़ सकती है। उसी प्रकार से अशुद्ध संबंध जो होते हैं वो किसी भी आर्थिक नियोजन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकते हैं। आर्थिक नियोजन का प्रत्येक चरण, जैसे योजना बनाना, उसे क्रियान्वयन करना, वो सम्मिलित करना, सब किस पे निर्भर करता है? सांख्यिकी पे निर्भर करता है। अब देखिए दूसरा पहलू, आर्थिक विश्लेषण। आर्थिक विश्लेषण जिसमें हम तर्क वितर्क करते हैं, क्यों हुआ, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। तो ये अर्थव्यवस्था में जो चीजें हमको प्रभावित करती हैं, जो कुछ कारक हैं, वो देखिए क्या है? उपभोग और क्या है? उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व। ये अर्थव्यवस्था को चलाने के सहायक तत्व हैं। तो उपभोग यानी कंजप्शन के लिए जब हमको किस प्रकार से सहायता कर सकता है सांख्यिकी, तो बहुत महत्वपूर्ण। देखिए, मांग पूर्ति का नियम जो सबसे आधार होता है व्यापार व्यवसाय का, उसके नियम
कि जो विवेचना होती है, जो विश्लेषण किया जा सकता है, वो मांग के आधार पर, पूर्ति के आधार पर, जिसके लिए कौन सहायक होता है, सांख्यिकी। मांग की लोच, सीमांत, उपभोक्ता नियम, कंज्यूमर का सरप्लस, ये सारी चीजें हम इससे पता कर सकते हैं सांख्यिकी की रीतियों की मदद से। उत्पादन, अब उत्पादन के लिए, उत्पादन का क्षेत्र कैसे होता है, उत्पादन मतलब कितना बनाया, कितना कमाया, तो उसकी उत्पादकता, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, राष्ट्रीय आय की गणना, ये सारा हम किसमें करते हैं, सांख्यिकी की मदद से, आंकड़ों की मदद से करते हैं। एक्सचेंज यानी विनिमय, विनिमय यानी आदान प्रदान पैसे का, धन का, तो बाजार की स्थिति, मूल्यों का निर्धारण, है ना, उत्पादन लागत, विनिमय के सिद्धांत, ये सब किस पर आधारित होते हैं, सांख्यिकी पर। वितरण, वितरण किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय का वितरण, अलग अलग क्षेत्रों में इसका आवंटन जिसको कहा जाता है, आय का वितरण, असमानता, उचित बंटवारे संबंधी नियम, ये सब कुछ का आधार क्या है, सांख्यिकी ही है। राजस्व, राजस्व मतलब जो हम धन टैक्स जमा करते हैं, कर जमा करते हैं, उससे होने वाले धन की बात होती है यहाँ पे, उसका किस तरीके से प्रबंधन करना है, तो बजट बनाती है सरकार, नीतियां बनाती है, मौद्रिक नीति बनाती है, निवेश नीति बनाती है, अपनी देय क्षमता देखती है, ये सब किस पर आधारित होते हैं, सांख्यिकी। तो देखिए इसमें बिना सांख्यिकी के एक भी विश्लेषण करना संभव नहीं है। तो अर्थव्यवस्था का तो समझ लीजिए मूल जो है, जो धड़कन है, वो क्या है, सांख्यिकी है। आगे हम देखेंगे, ये देखिए, ये दूसरा है अपना व्यवसाय का क्षेत्र, बिजनेस, है ना, इन द फील्ड ऑफ बिजनेस की सांख्यिकी का महत्व क्या है। तो अगर हम बिजनेस को देखें, तो वो थोड़ा अगर वृहद रूप में देखें, तो ये किस तरीके से कवर करता है, वाणिज्य, उद्योग और खुद व्यवसाय। अगर वाणिज्य को देखें, तो वाणिज्य बहुत बड़ा शब्द है, ये व्यापक शब्द है, इसके अंतर्गत व्यवसायिक प्रबंध यानी मैनेजमेंट और प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन आते हैं। तो इस प्रबंध में सांख्यिकी की क्या भूमिका है, प्रबंधन करने के लिए व्यक्तियों के पास में तथ्य, भूत, भविष्य का संतुलन, उनके विचार, उनका विश्लेषण की क्षमता होनी चाहिए, और अनिश्चितताओं को से वो फेस करने यानी उसके उसका सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। तो प्रबंधक को अनिश्चितता के मध्य निर्णय लेना होता है, लेखा प्रणाली, आय व्यय, परिव्यय, विवरण, विपणन, उत्पादन, शोध, नीति, कर्मचारी का चुनाव, ये बहुत सारे कारक जो वाणिज्य को सुचारू ढंग से चलाते हैं, उन सबके निर्णय के लिए भी सहायक होता है कौन, सांख्यिकी। वाणिज्य के विभिन्न क्षेत्र जैसे बैंकिंग, है ना, केंद्रीय बैंक की नीति, केंद्रीय बैंक की, केंद्रीय बैंक क्या है, हमारा RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय केंद्रीय बैंक है, तो उसकी नीतियाँ आदि किससे बनती हैं, सांख्यिकी के आधार पर ही बनती हैं। बड़े संस्थान तो अपने विभाग में सांख्यिकी विभाग का अलग प्रचलन है, जिससे कि उनको समय समय पर आंकड़े मिलते रहे, उनकी नीति निर्माण में किसी प्रकार की रुकावट ना हो। आगे हम देख रहे हैं उद्योग, उद्योग का काम क्या होता है, वस्तुओं का निर्माण कर पूर्ति करना। तो उद्योग की जो प्रारंभिक अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक संबंध ही संबंध की आवश्यकता होती है, जो सांख्यिकी प्रदान करती है। और जब से हम कच्चा माल लेकर के आते हैं, उसको निर्माण करते हैं, उसकी बिक्री करते हैं, तो कच्चा माल की उपलब्धता कहाँ से होगी, उनको बनाने वाले मजदूर कहाँ से आएंगे, पूंजी की व्यवस्था कहाँ से होगी, तो ये सारी चीजों के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, संबंधों की आवश्यकता होती है, ताकि संसाधनों का अधिकतम उपयोग हो सके, अनुकूलतम उपयोग हो सके। विभागों के समन्वय स्थापित करने के लिए भी सांख्यिकी की जरूरत है। बड़े कारखानों में उत्पादन नियोजन हेतु गत वर्ष के आंकड़ों की आंकड़ों के द्वारा ही मार्गदर्शन किया जाता है कि गत वर्ष हमने इतना उत्पादन किया था, जिससे कि इतनी पूर्ति हुई थी, तो इस वर्ष हमको कितना करना चाहिए। विभिन्न तकनीक, है ना, वैज्ञानिक और क्या बोलते हैं इसको, ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन, लागत नियंत्रण, ये सब किस पर निर्भर करते हैं, सांख्यिकी पर ही निर्भर करते हैं। अब देखिए ये इसके बाद हम देखते हैं व्यवसाय में, व्यवसाय, व्यवसाय करना मतलब बिजनेस, व्यवसाय अनुमान सांख्यिकी रीतियों पर ही निर्भर करते हैं। प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम रिस्क कितना लेंगे, तो रिस्क कितना लेना है या जोखिम कितना उठाना है, उसके लिए भविष्य का आकलन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। तो इसके लिए क्या करेगा व्यवसायी, मांग की स्थिति देखेगा, है ना, मूल्य की स्थिति देखेगा, सरकार की नीतियों का अवलोकन करेगा, उपभोक्ता की रुचियों पर ध्यान देगा, उसके पास कितने संसाधन हैं, क्रय विक्रय की स्थिति बाजार में क्या है, यदि वो माल बाहर से लेकर के आता है तो आयात निर्यात के क्या अभी स्थिति है, गुण नियंत्रण के बारे में, और उसके आसपास जो कारक हैं, बैंकिंग, बीमा, स्कंद, विपणी, परिवहन व्यवसाय, ये सब जो है प्रभावित करते हैं किसको, व्यवसाय को। तो इन सबकी जानकारी प्राप्त करने के लिए उसको किसका सहारा लेना पड़ेगा, आंकड़ों का, सांख्यिकी का,
एक व्यवस्थित आंकड़े उनको अगर प्राप्त होते हैं तो एक उचित निर्णय जो व्यवसाय के लिए फायदेमंद होगा इस निर्णय को वो ले सकेगा। तो देखिए व्यवसाय के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, इन दो पहलुओं के अलावा एक और पहलू है जो अर्थव्यवस्था को चलाने में सहायक होता है, वो है प्रशासन। ये एक तरह के बॉस यानी कि जो शीर्ष होते हैं उसकी भूमिका में रहते हैं और इनका काम होता है संचालन करना, लीड करना, है ना। तो इसके लिए भी सांख्यिकी सहायक है क्या? तो बिल्कुल है। समंक सरकारी प्रशासन के नेत्र माने जाते हैं। देखिए कितना महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, वहां पे क्या बोला गया, अर्थशास्त्री के लिए वो स्टेथोस्कोप का काम करते हैं और यहाँ कहा जा रहा है कि समंक जो है वो सरकारी प्रशासन के नेत्र माने जाते हैं, यानी कि सरकारी जो शासन होता है वो अपने आसपास की चीजों को या जो व्यवस्थाओं को किस रूप में देखता है, समंकों के रूप में, है ना। गरीबी है तो इतनी है, इतने प्रतिशत में है, बेरोजगारी है तो इतनी प्रतिशत कम हुई, इतनी प्रतिशत बढ़ी, तो इस तरीके से इनका जो पूरा अवलोकन होता है वो किस आधार पे होता है, स्टैटिस्टिक्स के आधार पे। स्टैटिस्टिक्स आर द आईज ऑफ गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। सांख्यिकी विज्ञान का प्रारंभ ही शासन के सुचारू रूप से चलाने के लिए ही हुआ है। सबसे पहला जो उपयोग इन लोग करते हैं वो किस लिए करते हैं, आंकड़ों को जानने के लिए, सर्वे, है ना। व्यापार की दशा, औद्योगिक उत्पादन की स्थिति, आयात निर्यात की गति, कर निर्धारण व कर नीति, जितने भी शासन को प्रभावित करने वाले क्षेत्र हैं उन सबके लिए जो आधार माना गया है वो क्या है, सांख्यिकी है। वार्षिक बजट का निर्माण, कानून बनाने व संशोधन करने में सहायक, विभिन्न नीतियों के निर्धारण में सहायक, विभिन्न विभागों की प्रगति और उन्नति की जानकारी, तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जा सकता है कि कोई विभाग जो है वो अपने लक्ष्य की पूर्ति कर रहा है कि नहीं, अपने कार्यों को कर रहा है कि नहीं, इसके लिए आंकड़ों की जानकारी प्राप्त की जाती है। समितियों तथा आयोगों के लिए उपयोगी, सामरिक का अर्थ होता है युद्ध क्षेत्र में भी इसकी भूमिका कम नहीं है, युद्ध क्षेत्र में भी ये बहुत अधिक भूमिका निभाता है। तो शासन के लिए सबसे उपयोगी जो होता है वो होता है सांख्यिकी, जिसके आधार पे वो पूरे अपने देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक, आर्थिक, वित्तीय और सामरिक, युद्ध, विभिन्न विभाग इत्यादि सभी को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए आंकड़ों की व्यवस्था सांख्यिकी के ही आधार पर होती है। और इसका तुलनात्मक अध्ययन कर, जैसे पॉपुलेशन हो गया, जनसंख्या हो गई, है ना, और दर हो गए, गरीबी की दर, बेरोजगारी की दर या आर्थिक जो भी दर लगते हैं, उनकी तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर ही शासन जो है वो अपने व्यवस्थाओं को अच्छे से चला पाता है। तो ये इसके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण हुआ। इसके अलावा सामाजिक उपयोगिता में भी सांख्यिकी पीछे नहीं है। देखिए हालांकि ये शासन का एक हिस्सा है कि बेरोजगारी, प्रतिस्पर्धा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सफाई आदि अनेक समस्याओं के अनुसंधान व सर्वेक्षण हेतु भी सांख्यिकी की प्रमुख भूमिका रही है। देखिए सांख्यिकी का महत्व हम ये बहुत ही सारगर्भित समझाया मैंने। इसके अलावा विभिन्न क्षेत्रों में अगर आप चाहें तो सांख्यिकी के महत्व को कम नहीं किया जा सकता, कम नहीं आंका जा सकता। आज के परिवेश में स्टैटिस्टिक्स जो है वो किसी भी अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था और वैज्ञानिक स्थिति में आधारभूत स्तंभ या मूल का काम करता है। धन्यवाद।